गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं अंकित और इस वक्त मैं हूं काराडूंगी में। काराडूंगी वो जगह है जहां से आप नैनीताल जा सकते हैं, लेकिन हम नैनीताल नहीं जा रहे हैं। हम जाएंगे अल्मोड़ा, बागेश्वर और मुनस्यारी। और काराडूंगी में हम रुके हैं इस वक्त जिम कॉर्बेट का जो हाउस है, और बेसिकली वो हाउस अब म्यूज़ियम में तब्दील हो चुका है। तो बाहर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये है वो जगह। सामने उधर काराडूंगी से आप नैनीताल जा सकते हैं, एंड दिस इज़ द एंटायर लॉन एरिया। और ये मेरे सामने जो एक आप बंगलो देख सकते हैं, ये है जिम कॉर्बेट हाउस। यहाँ पे जिम कॉर्बेट रहा करते थे, ये घर उन्हीं का ही है। सारी आसपास का जो पार्क है, ये लॉन बना हुआ है, प्रॉपर्टी उन्हीं की है। एंड जिम कॉर्बेट आप जैसे कि जानते ही हैं, ही इज़ फेमस फॉर शूटिंग मैन ईटर्स। तो इन्होंने कुल 10 मैन ईटर जो टाइगर्स थे कुमाऊँ एरिया में, बेसिकली उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में, उनको उन्होंने मारा है। और यहाँ पे पूरा प्रॉपर बताया गया है उनका जो हिस्ट्री है, वो किस तरीके से रहते थे, उस तरफ की पुरानी फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे। एंड ये एक आपको इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग दिखेगी यहाँ पे। यहाँ जिम कॉर्बेट खड़े हैं, विद हिज साइड एक इंडियन सिख की फ़ोटो है, पीछे हाथी है, इधर इनके डॉग है। बेसिकली यहाँ पे दो डॉग्स की समाधि भी है, जो हमेशा हंटिंग के दौरान जिम कॉर्बेट के साथ रहते थे, उनकी भी समाधियाँ बनाई हुई है। और पेंटिंग में भी आप एक डॉग को देख सकते हैं और नीचे एक मैन ईटर। सो यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा मैप पे बना के दिखाया गया है कि कुमाऊँ एरिया में कहाँ कहाँ जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर जो टाइगर्स थे उनको शॉट किया है। तो पहला नंबर जैसे देख सकते हैं, ये चंपावत है, दूसरा मुक्तेश्वर है, ऐसे करके पूरी लिस्ट भी है यहाँ पे। ये चंपावत का मैन ईटर है, इसने चंपावत के आसपास 1907 में इसको मारा गया, और इस मैन ईटर ने उस वक्त 436 लोगों को मारा। तो इस तरीके से ये पूरी 10 के 10 जो मैन ईटर टाइगर्स थे उनका एक डाटा है छोटा सा यहाँ पे, और कहाँ कहाँ किस रीजन में उत्तराखंड के उनको मारा गया जिम कॉर्बेट के द्वारा। तो जैसा कि आपको पहले भी बता रहा था कि जिम कॉर्बेट के पास दो पेट्स थे, रोबिन और रोसिना, तो उन दोनों की समाधि यहाँ पे है। तो इस वक्त मैं हूँ हल्द्वानी में। तो आपको अगर दिल्ली से हल्द्वानी आना है, या देहरादून से जैसे मैं आ रहा हूँ हल्द्वानी आ रहा है, तो डिस्टेंस इज़ मोर लेस सेम, आपको 6 घंटा लगता है। तो आप अपने व्हीकल से या बाय ट्रेन या फिर बाय बस हल्द्वानी आ सकते हैं। और फिर आगे जाने के लिए आपको हल्द्वानी से फोर व्हीलर या फिर बाय बस आपको अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ जाने के लिए व्हीकल आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ से जो अल्मोड़ा का जो डिस्टेंस है, दैट्स 86 किलोमीटर। तो 86 किलोमीटर अब हम अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, और रास्ते में आएगा भीमताल एंड भवाली के बाद नीब करौली, जिसको कैची धाम और काफ़ी फेमस आश्रम है वहाँ, एंड ऐसे खैरना होते हुए वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अल्मोड़ा। भीमताल पहुंच गए। भीमताल हल्द्वानी से है कुछ 17 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ आने में अगर रोड अगर भीड़ नहीं है, साफ़ सुथरा है, खाली है, तो यू आपको कुछ 45 मिनट जैसा लगेगा। बहुत शानदार और एक बहुत बड़ी ही लेक है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये रोड चल रहा है, ये जो रास्ता है इसके बिल्कुल राइट साइड में इधर लेक है, इसको भीमताल कहते हैं। एंड आई थिंक ये जगह नैनीताल से ज़्यादा खूबसूरत है, लेस क्राउडेड है और ओपन स्पेस ज़्यादा है,
तो इट्स अ वर्थ अ विजिट। तो इस वक्त मैं भवाली से 6 किलोमीटर आगे आ पहुंचा हूं बाबा नीम करौली के आश्रम में और फेमसली नोन एज कैंची धाम। और यहां पे बेसिकली जो मेन डाइटी है बाबा के, जो जिस बाबा जी के भक्त थे वो है हनुमान जी, और यहां हनुमान जी की बड़ी आस्था। और आज मंगलवार है बाई चांस, तो आई एम वेरी लक्की कि मैं नीम करौली धाम कैंची धाम में ट्यूसडे के दिन आया हूँ। एंड मंदिर में एक्चुअली फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आई विल बी शोइंग यू द टेम्पल। लुक एट दी एसेंस इस नदी के किनारे, इस छोटी सी नदी के किनारे, ये है बाबा नीम करौली का धाम, कैंची धाम। यहाँ बाबा की गद्दी है जहाँ उनकी बहुत ही सुंदर स्टैचू, बहुत ही लाइवली स्टैचू, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। और मेन डेटी यहाँ पे हनुमान जी की है, बाकी साथ में माता की है, बहुत ही सुंदर एसेंस देखिए। और आस्था का केंद्र बन चुका है ये मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम लगभग अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं। इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस बोर्ड के सामने जहाँ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का एक बोर्ड लगा हुआ है कि अल्मोड़ा की हिमालय की सुंदर वादियों में आपका अल्मोड़ा आगमन पर स्वागत है। इस जगह से अल्मोड़ा का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर है। और आगे आप अगर कसार देवी जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा आउटर पड़ जाता है, लेकिन अल्मोड़ा जो शहर है वो यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही सुंदर ये स्पॉट है जहाँ पे हम रुके हुए इस वक्त। एक नदी आ रही है, नीचे पूरा पानी है, छोटा सा एक विलेज जैसा लैंडस्केप है उधर, और बहुत ही खूबसूरत सुंदर खुला हुआ मौसम और नीला आसमान। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और बहुत ही खूबसूरत जगह है। उधर देखिए, ये आपको पूरा व्यू दिख रहा है बिनसर रेंजेस का, उस तरफ खुला नीला आसमान, शांत एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट। और हम इस वक्त स्टे कर रहे हैं KMVN की प्रॉपर्टी में, जो कि दीना पानी में है, कसार देवी से और 2 किलोमीटर आगे। तो हम जहाँ ठहरे हुए हैं, आप देखना चाहेंगे हमारी बालकनी से जो व्यू, जो नज़ारे हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये है आपके सामने शानदार स्नो कवर्ड हिमालय रेंजेस। आप देख सकते हैं सामने नंदा देवी है, त्रिशूल पर्वत है, उधर दूर चौखंबा है, नीचे लोअर हिमालयस है, क्लाउड से कवर्ड है। जिस तरीके से पानी होता है, झील होता है, उस तरीके का एक मतलब व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अब जब अल्मोड़ा आते हैं तो आप यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको शॉपिंग करनी है या मार्केट को घूमना है, तो उसके लिए मॉल रोड के आसपास आप रह सकते हैं, उससे बेस्ट जगह कोई है नहीं। आप मॉल रोड घूमने जा सकते हैं कि क्योंकि वहीं पे आपको यहाँ का जो फेमस जो स्वीट डिश है, जो मिठाई मिलती है बाल मिठाई, आप वहाँ से ले सकते हैं। मॉल रोड पे वो शॉप्स अवेलेबल है। उसके अलावा आप शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े या अदर चीज़ आइटम्स जो हैं, आपको वुलन आइटम्स अगर लेने हैं, पहाड़ी आइटम लेने हैं, तो आप मॉल रोड से ले सकते हैं।
देन आप कहाँ जा सकते हैं? आप गोलू देवता जा सकते हैं, जो कि महज अल्मोड़ा से 6 किलोमीटर की दूरी पर। और गोलू देवता आप जानते हैं कि बहुत ही फेमस मंदिर है, जहाँ पे लोग अपनी फरियादें लिख के चिट्ठियों में और वो बांध के आते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है कसार देवी, और कसार देवी पे मेडिटेशन के लिए लोग बहुत आते हैं, पौराणिक महत्व भी है उस मंदिर का। थर्ड डेस्टिनेशन है दंडेश्वर महादेव और जागेश्वर महादेव। ये दोनों टेम्पल्स एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और अल्मोड़ा से इनकी दूरी कुछ 40-50 किलोमीटर की है। तो ये सबसे आउटलायर में है जो जागेश्वर और दंडेश्वर मंदिर है, लेकिन बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, बहुत प्यारे। एक बार ज़रूर जाइएगा अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो। आफ्टर दैट आप जा सकते हैं कटार में सूर्य मंदिर, और ये अल्मोड़ा से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो आप इन 3-4 जगह जो मैंने कही आप इनको कवर कर सकते हैं, लेकिन इस नज़ारे को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दिस व्यू, दिस स्पेक्टेकुलर व्यू, जो आपको आई थिंक हमेशा याद रहने वाला है। अब हम अल्मोड़ा से निकल चुके हैं बागेश्वर के लिए, एंड इस वक्त हम बिनसर रेंज से, मतलब बिनसर के एरिया से होते हुए बागेश्वर की तरफ जा रहे हैं। एंड बागेश्वर में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बागनाथ जी का, तो वो भी भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ भी हम जाएंगे। तो अभी खूबसूरत चीड़ के जंगल है रोड के दोनों साइड, और बिनसर की में तो फेमस ही है, बिनसर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो यहाँ से आपको क्लियर व्यू मिलेगा संगम का, फिर से ये सरयू रिवर है और उधर से आ रही है गोमती नदी, और ओवर हेयर दे आर मीटिंग समवेयर, जहाँ मैं फिंगर करके दिखा रहा हूँ आपको इशारे से, यहाँ पे दे आर मीटिंग। तो यहाँ पे ये संगम है और इधर है बाबा बागनाथ का मंदिर। और अभी पूरा क्लाउडी है, अदरवाइज उधर से आपको नंदा देवी की पीक नज़र आती है। तो फिलहाल पूरी वैली क्लाउडी है, तो इट्स नॉट विजिबल फ्रॉम एयर एक्चुअली। सो आज हम बागेश्वर से निकल चुके हैं पिथौरागढ़ के लिए, और बागेश्वर से पिथौरागढ़ का जो डिस्टेंस है वो है कुछ 145 किलोमीटर का। बहुत लंबी जर्नी है, अराउंड 5 घंटे की, 5 घंटे आपको लगातार हिली ड्राइव पे रहना है, हिल्स पे ड्राइव करनी है। और लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, तकरीबन रास्ते में आपके साथ साथ हिमालय की जो स्नो कवर्ड पीक्स हैं वो साथ साथ आपको दिखते रहेंगे पूरे रास्ते में। आप त्रिशूल, नंदा देवी, पंचाचुली, ये मेजर पीक्स हैं जो आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी पीक्स जो नेपाल में हैं, यहाँ से दिखती हैं जो नेपाल में हैं, वो भी सारे रास्ते आपको दिखाई देती हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं चकोरी में, तो चकोरी का डिस्टेंस बागेश्वर से है कुछ 36 किलोमीटर के आसपास। तो हम वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, वहाँ से भी सुना है व्यूज़ बहुत शानदार आते हैं। तो हम चकोरी पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पहुंच के हम देखते हैं कि हमें क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं हिमालय के। सो
जैसे मैंने पहले बोला था कि हम चकोरी में ब्रेक लेने की सोच रहे थे, तो हम चकोरी में ही हैं। तो चकोरी में ये केएमवीएन वालों का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे हम इस वक्त रुके हुए हैं। ब्रेक लिया हमने, थोड़ा बहुत टी स्नैक्स लिया, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। जैसे मैंने कहा था कि आएंगे यहाँ, अगर चकोरी रुकते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से हमें मतलब नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये है कुछ नज़ारा, इधर नंदा देवी है, इधर मेरे सामने पंचाचोली है, और आसमान में अगर आई डोंट नो इसमें दिख पा रहा है या नहीं, लेकिन मैंने DSLR से कैप्चर किया है, दो दो इंडियन जेट हमारे एयरफोर्स के जो जेट हैं वो दे आर होवरिंग ओवर द स्काई एंड पेट्रोलिंग दी एयर स्पेस अलोंग विद द चाइनीज बॉर्डर। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त, जितनी ही खूबसूरत ब्यूटी है, जितनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, जितना प्यारा यहाँ पे बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, उतना ही खूबसूरत सामने आसमान में नज़ारा है जहाँ हमारे दो दो जेट हमारे सामने हमारे ऊपर दे आर होवरिंग ओवर एंड दे आर शोइंग ओवर मिलिट्री माइट। ये तो एक इच्छा थी कि मैं कि यहाँ पे आऊँ तो मतलब कम से कम पंचाचोली को देखूँ, नंदा देवी को देखूँ, और साथ साथ एयरफोर्स के जेट भी देखे, दिल खुश हो गया। इट्स द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस अपर हिमालयस। बहुत साफ आसमान है, बिल्कुल क्लाउडी नहीं है, नीला चमकदार साफ सुथरा आसमान, और उस पर शान से बैठी हुई हमारी ये हिमालय की पीक्स, और उतने ही दोगुनी शान से उड़ते हुए हमारे वायुसेना के जेट। तो दिन बन गया आज, सच में दिन बन गया। सो फ्रेंड्स, चकोरी से हम निकल चुके हैं थल के लिए, और चकोरी से जो थल का डिस्टेंस है वो कुछ 35 या 34 किलोमीटर की दूरी पे है। तो थल से एक ट्राई जंक्शन जैसा बनता है, अगर आप राइट ले लेंगे तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स पिथौरागढ़, और हम लेंगे लेफ्ट और हम जाएंगे मुनिसियारी। ढाई तीन घंटे की थका देने वाली ड्राइव के बाद, जो कि थल से ही जो मुनस्यारी का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, और ये कुछ अभी भी मुनस्यारी यहाँ से अभी जहाँ मैं उतर रुका हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, 30-35 किलोमीटर दूरी पे है। तो अभी हम जा रहे हैं बिरथी वाटरफॉल, तो वो रोड है अपना, वहाँ हमने गाड़ी खड़ी की, पार्क की है, और वहाँ से आपको एक टिकट डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ, एक लड़का बैठा हुआ, जब को टिकट देगा तो दे आर चार्जिंग 20 रुपीज़। वाटरफॉल यहाँ है मेरे सामने, और ये वॉकिंग का पैसेज है। तो मैं इस वक्त बिल्कुल बिरथी वाटरफॉल के सामने खड़ा हूँ, उसके नीचे खड़ा हूँ। आई कैन फील इस पानी की जो बूंदें हैं वो बौछारे हैं, वो मेरे ऊपर बिल्कुल आ रही हैं, और नीचे बिल्कुल यहाँ नीचे रेनबो बन रहा है, जहाँ ये बौछारे चट्टान पे टकरा रही हैं इधर रेनबो भी बन रहा है। तो दिस इज लवली वाटरफॉल, ब्यूटीफुल। मैं मुनिसियारी से कुछ 15 किलोमीटर पहले रुका हुआ हूँ, और इस जगह का नाम है काला मुनि आश्रम। यहाँ से बिल्कुल सामने पंचाचुली है।
अब व्यू को देख के समझ ही गए होंगे, इस नज़ारे को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं मुनस्यारी पहुँच चुका हूँ। तो मैं मुनस्यारी पहुँच गया था कल शाम को। बहुत ही टायरिंग जर्नी थी, क्योंकि रोड्स जो है बिरथी वाटरफॉल के बाद से रास्ता है तकरीबन स्ट्रेच है, टूटा हुआ है, कहीं से सड़क दब गई है, कहीं से पूरी ख़त्म है, तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा एक्स्ट्रा। सो मुनस्यारी जो हम आए तो इवनिंग का वक्त था, और सामने पंचाचूले की पिक्स जो कि सनसेट के उसमें गोल्डन होने लगी थी, गोल्डन कलर्स के रेडिश उनका जो टेक्सचर आ गया था पिक्स का। ये ब्यूटीफुल जगह है, पीसफुल है, एक हिल स्टेशन की जो पहली जो खूबसूरती यही होती है कि वहाँ पे शांति होती है। जैसे अभी कुछ हिल स्टेशन है जहाँ पे तकरीबन लोग पहुँच जाते हैं और बहुत भीड़ रहती है, तो वहाँ पीसफुल नहीं है, बहुत क्राउडेड रहता है। मुनस्यारी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, खासकर से ये नवंबर एंड ऑफ दिसंबर बिगनिंग का जो टाइम है विंटर्स का, मौसम साफ़ सुथरा है, भीड़ नहीं है, टूरिस्ट बहुत कम है, तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप लोग भी कभी सोच रहे हैं आने का तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम, आप मुनस्यारी इस वक्त आ सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि मुनस्यारी में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप रास्ते में आ रहे हैं तो मुनस्यारी से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है बिरथी वाटरफॉल, वहाँ आप जा सकते हैं। सेकंड कालामुनी टॉप, वहाँ आप जा सकते हैं। थर्ड सबको पता है खलिया टॉप, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो इट्स अ मस्ट डू ट्रैक, आप खलिया टॉप जाइए। खलिया टॉप 8 किलोमीटर का ट्रैक है, जीरो पॉइंट पे पहुँचे। जीरो पॉइंट पे पहुँच के आप इन पंचाचूले जो चोटियाँ इस वक्त शीशे के फ्रेम में आपको मिरर के फ्रेम में दिख रही हैं उनको आप एक सिमिलर हाइट से, लगभग सिमिलर हाइट से देख सकते हैं। फिर दूसरा एक और ट्रैक है, छोटा ट्रैक है 1.5 किलोमीटर का, दैट इज़ मुक्तेश्वर कुंड का ट्रैक। वहाँ पे एक छोटा सा कुंड है, ऊपर जाके उसकी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, जंगल जैसा है, बिल्कुल अच्छा है, शानदार है, आप जा सकते हैं वहाँ भी। देन अनदर इज नंदा देवी, नंदा देवी का मंदिर जा सकते हैं। टेंपल के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत मुनस्यारी का मैप बनाया हुआ है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लोकेटेड हैं और यहाँ के जो गांव हैं और घूमने लायक जो प्लेसेस हैं वो सब इस मैप में दिखाया गया है। तो हेयर इट इज़, ये पूरा मैप है, ये देखिए, और इसमें यहाँ इन्होंने नंदा देवी टेंपल दिखाया हुआ है। ये एक पॉइंट है जो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, दिस इज़ मेसर कुंड या मुक्तेश्वर कुंड जो है। तो मुनस्यारी से 15 किलोमीटर पहले कालामुनी मंदिर है, दिस इज़ खलिया टॉप, खलिया टॉप इसके 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और उधर ऊपर मिलाम ग्लेशियर। मैं मुनस्यारी के सरस बाज़ार में हूँ, और ये सरस बाज़ार क्या है, ये उत्तराखंड सरकार का और पहाड़ी क्षेत्रों में जो ऊन का कारोबार है, जो कपड़े बनाते हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, लोकल्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपने वूलन प्रोडक्ट्स सेल करने का। तो सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको राजमा मिल जाएंगे, पहाड़ी राजमा, पिथौरागढ़ के राजमा तो बहुत ही फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, वो सब यहाँ एक छत के नीचे अवेलेबल है। तो एक इस तरह की जो वुलन कैप्स हैं, ये कैप्स किससे बनी हुई है, ये अंगोरा खरगोश के उससे फर से, तो बहुत ही सॉफ्ट है एंड आई थिंक बहुत ही वार्म भी रहने वाली है। तो आई एम गोना बाय दिस।